मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। मस्जिद का पत्रा टूटने के विवाद में युवक पर कई लोगों ने किया जानलेवा हमला, युवक की हालत गंभीर, वडाला लाल मिट्टी परिसर की वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 जुलाई बुधवार को मुंबई के वडाला में, लाल मिट्टी परिसर है, यहां पर खालिद नाम का एक युवक किसी के मकान की छत बनाने का काम कर रहा था। इसी मकान को सट करके बिल्कुल करीब में एक मस्जिद है, उसकी भी छत और छत के पत्रे के कोने जो है वो इस मकान से सट जाते हैं। ऐसे में मस्जिद के छत के पत्रे की किनारी टूट गई। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने खालिद नाम के इस काम करने वाले युवक के साथ विवाद किया और उसे कहा कि तुम ये पत्रा फिर से बना करके दोगे। इसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ और फिर खालिद के साथ बुरी तरह से हथियारों के साथ मारपीट की गई। किस तरह से पूरा मामला हुआ है, खालिद के परिवार से उनकी बड़ी महिला है, उसने पूरा बयान दिया है। क्या खालिद की हालत है अस्पताल में, किस तरीके से पूरा मामला है, वो हम आपको वीडियोज के जरिए और उनकी इस घर की महिला की बातों के जरिए बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफिया अभी शेख। खाला माजी, आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है? हाँ। तो ये किस जगह हुई है और कब हुई है? ये लाल मिट्टी किस्मत नगर ओवर हाउस के पास मस्जिद है हमारा। मस्जिद के बाजू में घर है, होटल है, उसके बीच में हुआ। क्या पूरा मामला था, किस वजह से हुआ? ये ज्यादा बात नहीं थी, बाजू में मस्जिद है और घर है, और ये मेरा बेटा कैसा है, कोई काम बोलता है तो करता है। तो सामने वाले ने बोला उसको कि मेरा छत सीधा कर, तो उसके छत पे वो काम कर रहा था, तो बाजू का छत मस्जिद कर। बेटे का नाम क्या है और कितनी उम्र है? खालिद हबीबुर रहमान शेख, और उम्र उसका कुछ 30 के ऊपर है, 3-4 ऊपर होगा। तो क्या हुआ था? तो उधर मैं गई भाग के, तो उधर सब छोकरे लोग खड़े थे, उन लोग बोलते तू तोड़ा ना तो तू बनाएगा। तो मेरे बेटे ने क्या बोला कि मैंने तोड़ा नहीं, वो टूट गया, तो जो मेरे को काम दिया वो बना के देगा। इतना बात हो रहा था, होते होते तो क्या चीज टूटा था वहाँ पर? मस्जिद का छत। मस्जिद का छत, हाँ, किनारी रहता। कौन सी मस्जिद है, क्या नाम मस्जिद? मस्जिद का नाम इस्लामी मस्जिद, इस्लामी मस्जिद, हाँ, लाल मट्टी किस्मत नगर में इस्लामी मस्जिद अपने। फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद कोई घर में आया, पहले ये तुतु मैमो हम लोग आ गए, तो बाद में कोई आया बोले बहुत उधर मारा मारी हो रहा, जाके देख रही मेरे बेटे को 4 लेडीज 4-5 जेंट्स लोग मिल के फेंक के मार रहे, मैं अंदर घुस नहीं पाई है सैयद, ए लू छोड़। क्या नाम है वो लोगों का जो मार रहे? जो मारे, एक का नाम सैयद है, एक का नाम हाशिम है, एक का नाम आकिब है, एक का नाम वो सायरे के बेटे का नाम क्या है, समीर है, और लेडीज में नूरी, नरगिस, मुन्नी, शबनू और उसके छोटे भाई बहन सब ने मिल के मारे में एक बाजू खड़े ला, कोई छुड़ाया नहीं। आप जब वहाँ गए, हाँ, आपके लड़के को मार रहे थे? हाँ, मार रहे थे। तो आपने उस टाइम में पूछा नहीं क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? बोले उसको जान से मार डालेगा, हट बोले चमची, तेरा बेटा बड़ा हरामी है। बोले मेरा बेटा हरामी है? उसके बाद तो मैं बात कर नहीं पाई, क्योंकि लोग मारना चालू करे मैं चला रही, कोई नहीं छुड़ाया, मेरा ननन का बेटा छुड़ा, बीच में फंस गया था और एक छोकरा था वो छुड़ाया हमारे ये का, बाकी किसी ने नहीं छुड़ा, क्योंकि सब लोग उन लोग के ही थे। मार खाने के बाद मेरा बेटा ऐसा करके उड़ी मार के उठा ना, पूरा खून से लगता है, और मेरे को इधर नहीं वाला भी बोलती हूँ ये जो शुरू है। उसके बाद ये हो जाने के बाद उन लोग ने मेरे को बहुत गाली गलौज करे, बोले तू जा यहाँ से, सैयद बोलता है तेरे बेटे को नहीं तो जान से मार डालूंगा। तो इतने में उसका बेटा आकिब आया,
हक्की बाकी बोलता है तूने मेरे बाप को गाली दिया, तो बोले मैं तेरा बाप को गाली किसको बोला कि जो है वो खालिद को बोला, आपके बेटे को, मेरे बेटे को बोला खालिद को, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा भूल जाती हूँ, मेरे बेटे को बोला, तो मेरे बेटे को उसने क्या किया, पटक से पकड़ लिया मारने को, ये मारा मारी में लोग इतना मारे तो आधे लोग क्या किए वहाँ से भाग गए, मेरा बेटा उठाना जब मुँह फूटला था वो क्या बोला, मेरी सब चौकी में का हाथ भी काट के मेरे सामने होटल से चुन लिया, दूसरे लोग दूसरे लोग सही ही लोग सैयद आकिब और वो सायरा का बेटे का नाम क्या है भूल जाती समीर, इन लोग ने अपने आप को मार के पुलिस चौकी जा रहे थे, बोले तुम लोग ऐसा मार के जा रहे, तो नूनी बोलती अरे तेरे नाम पे पहला कंप्लेंट दूंगी, मेरे को बहुत गाली गलौज करी, तो मैं वहां से ये बाजू आ गई, आके देखती मेरा बेटा उधर ही खड़े है मैयत घर के सामने, गुसल खाना है ना जो हमारे एरिया में मस्जिद के सामने ये बाजू में, तो मस्जिद के मैयत खाने के पास खड़ा है, तो मैं आके बोली उधर सैयद खड़ा था, लोग आधे लोगों को भेजती, सैयद खड़ा था, सैयद के हाथ में सामान था, ईलू के हाथ में, हाशम के, कौन कौन से हथियार हो गए उन लोगों के हाथ में, टुपलेट, हाशम के हाथ में टुपलेट, सैयद के हाथ में जो खाना पकाते ना बड़ा बड़ा टेक का स्टील का बड़ा चम्मच, आकिब के हाथ में बड़ा बम्बू, और वो ईलू का भाई का नाम क्या है छोटाला सोनू के हाथ में चाकू, इन लोग ने लेके खड़े, मुझे नहीं मालूम, मैं आके मेरे बेटे को बोली सब पुलिस चौकी गए, तो पुलिस चौकी नहीं जा रहा दवाखाना तो चले जा, बोलता मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, पुलिस वाला आके मेरे को देखेगा, मेरे को खुद लेके जाएगा। लगभग ये झगड़ा कितना मिनट चला है? ये झगड़ा अढ़ाई बजे से 2 बजे से लेके 3 बजे तक का, 1 घंटा चला, हाँ तकरीबन 1 घंटा चला, हाँ 1 घंटे के अंदर। आपके एरिए में कोई बिट चौकी वगैरह है या नहीं? घंटा बिल चौकी है, तो उन लोग चले गए, मेरे बेटे को आके बोली तू चौकी में जा, तो उसने क्या बोला अम्मी घंटा भी ला ले, हम लोग को पहचान के आएंगे, पूरा खून से लथपथ है, बोले लोग खुद मेरे को आके देखेंगे लेके जाएंगे, मेरे को जाने की जरूरत नहीं, और मुझे नहीं मालूम सैयद हाशिम, हाशिम का छोटा भाई आकिब और वो सायरा का बेटे 5 लोग सामान लेके खड़े थे, मुझे नहीं मालूम। वो बात करते करते ओ हाशिम का छोटा भाई आया, खालिद किधर है, मैंने क्या को तू खालिद को तू मारे गए थे, खालिद खून से रखते मानता चालू टुपले फिर मारे, मतलब ये दोबारा मारे, अच्छा ये जो अभी लाश हुआ ना ये दूसरी बार मारे, पहली बार इन लोग ने मार चुके थे। ये पूरा मामला होने के बाद आप पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं मैं मेरा बेटा उधर बचाओ बचाओ बोल रही, तो जाके सैयद को मैं ऐसा पीछे से पकड़ी ना, तो सैयद ने वो चम्मच मेरे में मार दिया, ये पीट में हाथ मुझे ये अभी मेरा एक्सरे हुआ। अच्छा तो अभी कौन सा हॉस्पिटल लेके आए आपके बेटे? साइन अस्पताल में है, ये इमरजेंसी कौन सा है, इमरजेंसी वार्ड में है और आईसीयू में है, मैं भी नया लाई। वाकई हालत कैसी है अभी खालिद की यहाँ पे आने की? हालत की हालत बहुत खराब है, मैं सुबह से कुछ खाई पी नहीं, और उधर तो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए? हाँ पुलिस वाले आए थे, सिर्फ 4 लोगों का नाम लिख रहे थे, तो मैं बोली इसमें लेडीज भी थी, तो लोग ने लिखे करे मेरा सैनून लेके गए, बोले अभी जाके हम लोग देंगे। अच्छा माजी आपका ये पूरा विवाद चल रहा है, हाँ। इससे पहले भी आपकी कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? कुछ नहीं, बस वो मेरी देरवानी हमेशा लड़ते रहती है, और लड़ती कैसा है ये इसके जो बहन के आदमी लोग है उन लोग को लेके, और इन लोग ने 2-3 दफा मेरे बेटे लोग बच्चा ये छोटा था मेरे ऊपर इन लोग ने बहुत दफा हाथ उठाए, पूरे मोहल्ले में सबको मालूम है मेरा पैर कांप रहा है, सबको मालूम है ये एरिया में इन लोग ने आज एक बार। अमाजी पुलिस जो वरिष्ठ अधिकारी है उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहती कि उन लोग को अरेस्ट करे सबको, और उन लोग को बंद करे, और मुझे उन लोग को सजा देना है, कानूनी कार्रवाई। हाँ इन लोग ने बहुत बार करे है, मुझे अभी चाहिए इंसाफ, मेरा देवर एक बार भी आके पूछा नहीं क्या हुआ। माजी सुनिए ना, मेरे आखिरी सवाल है आपसे, अगर पुलिस स्टेशन वाले आपको इंसाफ नहीं मिलता है हाँ। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर मेरे को वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अगला कदम दूसरा उठाऊंगी। क्या होगा दूसरा कदम? क्या होगा अब देखूंगी किधर मैं जा सकती, ऊपर तक जाऊंगी। लेकिन कार्रवाई कर रहा होगा? हाँ मैं करूंगी, और मैं ये जो बोल रही हूँ ये दुनिया में फैलना चाहिए सुनना चाहिए, मैं बेवा हूँ, मेरे को इधर दवाखाने के पास भी सैयद ने आकिब ने पुलिस वाले के सामने मेरे को इधर गाली दिए, आम आदमी लोग के सामने भी मेरे को लोग गाली दिए जब मैं दवाखाना आई, और अभी वो एक्टिंग करके दवाखाने में आए लाए।